भरभूति जी, इतना रात को का कर रहे हमारे बाथरूम में? अभी जी आप भूल गई, आपके लिए हथियार लाया हूँ, हथियार, सड़े टमाटर अंडे। अच्छी चोरी होली ना? हाय दिया, सब कुछ सामान है ना इसमें? भाभी जी लीजिए, शुरू हो जाइए। कहाँ शुरू हो जाइए? आप जी ये महान कार्य घर से शुरू कीजिए, क्या कि इसका असर ज्यादा होगा, बेटर असर होगा। अजी नहीं नहीं, हम लज्जू के भैया के साथ ना ही खेल सकते हैं, वो तो घर के ही है ना। अभी जी चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। लेकिन हम चुराटे ना ही करेंगे। मैंने अभी चैरिटी बोला भाभी जी, चुराटे क्यों बोल रही है? हम जानबूझ कर करते हैं ऐसा, इस चैरिटी ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जी मेरी बात मानिए, ये घर से शुरू करना जरूरी है, इसका क्या ज्यादा असर होगा, आप अम्मा जी से पूछ लीजिए फोन करके, मैं गलत बोल रहा हूँ तो? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जी उम्र बच्ची कैसन बा, का हुआ इतनी रात गए फोन कर रही है? दरअसल वो हम आकाशवाणी पे चंपा के फूल प्रोग्राम में रोमांटिक गाना सुन रहे थे। पंडित रामफल हमको आदत लगा दिए है, रोज 3 रोमांटिक गाना फरमाइश करते हैं। हाँ आंटी जी, चंपा के फूलों का गजरा आप पंडित रामफल को पहनाइए। पहले आप मेरी एक बात बताइए। अरे नल्ले, इतनी रात गए तो हमारी बहुरिया बेडरूम में क्या कर रहा है? नहीं नहीं अम्मा जी, बाथरूम में नहीं है, वो खिड़की पर लटके हैं। काहे लटका है, का चाहता है ये? अरे आंटी जी, आपने आदेश दिया था ना वो सड़े अंडे और टमाटर लाने का, बोले क्या है भाभी जी के लिए? ओ हाँ हाँ, ये तो हमारा ही काम कर रहा है, अब बहुरिया वो जोन लेके आया है, रख लो वो सब है। ठीक बा अम्मा जी, हम देख ले सब सामान है उन्हें। अच्छा आंटी जी, मैं भाभी जी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चिचोरी होली है घर से शुरू की जाए, क्योंकि लड्डू के भैया से शुरू की जाए, क्या इसका असर बेटर होगा, क्या बोलती हैं आप? हाँ, ठीक बोल रहे हैं। अब बहुरिया, ये नल्ला जोन कह रहा ना बिल्कुल सही बोल रहा है, तो बैल के साथ में जो है छिछोरी होली खेल डालो, ठीक है? I love you। कहा बोले? मैं कहा भाभी जी कह रही हूँ। I was joking। रगड़ रगड़ के तू नहाए हो? पूरी तरह रगड़ रगड़ के नहाया हूँ, और इस रोमांटिक इंजन को मैंने पूरी तरह से ओवरहॉल कर दिया, इट्स बीन सर्विस्ड। कहीं कोई वायर इधर उधर तो नहीं हो गया? बड़ी नॉटी हो रही हो आजकल तुम। तुम्हारी जैसे स्कैंडलस पर्सन के साथ इतने सालों से तो रह रही हूँ, थोड़ा बहुत तो असर होगा ना। अच्छा अब जाओ, राजा राम इलेक्ट्रिशियन को भेजो। एक्चुअली क्या है कि लास्ट टाइम तुमने जो अपने रोमांस के 440 वोल्ट से जो झटका दिया है ना, अभी तक बेचारा बेहोश है, शॉक में है। तो फिर दीपू मस्ताना को भेज दो। तुमसे मिलने के बाद वो इतना मस्ता गया, इतना पगला गया कि अभी वो आगरा के पागलखाने में है। तो फिर जग्गा डाकू को ही भेज दो, बहुत दिन हो गए मेरा किडनैप नहीं हुआ। वो तो आपको देखते हथियार डाल देता है। तो फिर कौन अवेलेबल है? ये खाकसार, ये गुलाम अवेलेबल है, जो आप खिदमत कहें करने को तैयार है। म्यूजिक चला। कौन रो रहा अभी? अरे क्या हुआ तिवारी जी? अरे देखे ना भाभी जी, कोई कम वक्त रात को हमारे कमरे में घुसकर हमारे साथ छिछोरी होली खेल गया, देखिए। और क्या कर रहे थे आप उस वक्त? कबड्डी खेल रहे थे। जाहिर है कबड्डी खेलेंगे या सोने के वक्त, तो कोई भी ऐसी हरकत करके जाएगा आपके साथ। ज्यादा बकवास मत कीजिए। अंगूरी जी आपको भी पता नहीं चला? नहीं, हमको भी कछु पता नहीं चला कि कैसे हो गया। कमाल है, अंगूरी जी आपके बारे में तो मशहूर है
कि आप कब सोती हैं और कब जाग जाती हैं, आपको खुद पता नहीं चलता। हाँ वो बात तो सच्ची है कि हमारा नींद ना बहुत ही कच्चा है, एक तो सुई भी गिरे ना तब भी हमारा नींद खुल जाता है। तो फिर उस समय काहे नहीं जागी जब हमारे पास सुई नहीं भाले बरस रहे थे। अब भाभी जी की बात समझे नहीं तिवारी जी, भाभी जी कह रही है सुई गिरती है तो उनकी आँख खुल जाती है और अगर भाले गिरते हैं तो आँख नहीं खुलती। सही पकड़े हैं भाभी, देख रही है, देख रही है आप, आपके लाडले जो है हमारे साथ टिंगल कर रहे हैं। विभू क्यों कर रहे हो ऐसा, देखो ना तिवारी जी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। ओ कम ऑन बेबी, गिव मी अ ब्रेक। ऐसा कौन सा किसी ने इनकी आबरू का डोल फोड़ दिया है? आर यू वेटिंग फॉर दिस विभू? ऑलमोस्ट। तुम चाहते हो कोई इनकी आबरू का ढोल बजाए? ओह नहीं नहीं अनीता जी, हमरे होते तो क्योंकि भैया की आबरू का ढोल कौन नहीं बजा सकता है। माफ करिएगा अंगूरी जी, लेकिन अगर कोई आपके सामने तिवारी जी का ये हाल कर सकता है तो वो हाल भी कर सकता है। यस यू राइट। तिवारी जी ऐसे क्या बन रहे अबला नारी है? अनु टची है, शी इज सेंसिटिव अबाउट सर्टेन थिंग्स। एक्चुअली बड़ी पुरानी बात है, यू नो होली के रोज कुछ मोहल्ले के लौंडों ने होली का रंग लेके इनके पप्पा के एक शब्द नहीं बोलोगे इसके अलावा। आइडिया अनीता जी तो मड आइलैंड हो गई। अभी एक्चुअली काफिया तो नहीं मिला, लेकिन पोलाइटली आई एम टेलिंग यू आप वायलेंट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। तिवारी जी, जी जी, ये लोग जो छिछोरी होली खेल रहे हैं ना, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हाँ हाँ जरूर लेंगे, हाँ जरूर लेंगे लड्डू के भैया, चलिए चलिए आते हैं तुम जाओ। ओ बबूती जी, हाँ ये जो भाभी जी के पिताजी वाली जो बात है ना, ये तनिक हम बाद में करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आइए। क्या बात ये है कि आप एक नंबर के लीचड़ हैं। भरभूति जी कहाँ खोए हैं? आपके ख्यालों में। आप कहाँ बोले? भाभी जी चलें फिर, लेट्स स्टार्ट। हाँ चलिए छिछोरी, होली खेलने का टाइम आ गया। टारगेट हमारा पहला मालूम है कौन सा है? TMT। चलिए मैं उठाता हूँ भाभी जी, आप चलिए, मैं आल कैरी कोई। है यार खाली। चल, खुशबू आ रही है क्या? हाँ यार आ रही है यार। डीओ लगाओ मैंने मैंगो वालों। अरे डीओ की बात करे जा रहे हो, इतनी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और बस ना आ रही है यार दुर्रा प्रेम नगर की। यार मुझे लगता है या तो बस जाम में फंस गई है या ड्राइवर जाम में फंस गया है। भाई मैं तो कसम खा के कह रही हूँ, मुझे तो कल्लू उस्ताद की ना बड़ी चिंता सी हो रखी है यार। भैया कभी भी खबर आ सकती है कि कल उस्ताद टेम बोल गए। किल्लू यार वैसे कल्लू उस्ताद के पास यार प्रॉपर्टी और पैसा तो बहुत होगा यार। अबे बावले तू पैसे की बात कर रही है, दुर्रा प्रेम नगर में कल्लू उस्ताद से ज्यादा किसी के पास प्रॉपर्टी ना है। हाँ यार मुझे लगता है यार कम से कम 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी तो हैगी यार। वही तो मैं कह रही हूँ बावले, समझ ना रहे हो, कल्लू उस्ताद के टैम बोलने से पहले हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। वैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि सेवा करेंगे ना तो मेवा मिलेगी। रसोरा सेवा करने से मेवा ना मिलती, आजकल के जमाने में ठेंगा मिलती ठेंगा। यार मैं क्या कह रहा था तेरे को यार, सोरे एक बात बता, तू हमेशा से इतना गंदा है या फिर कई सालों से नहाए ना है? बिल्कुल पता चलिए। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन, मैं रोजाना नहाता हूँ। मारी घराली के रिश्ते तू तेजाब से नहाएगा ना तो एक दिन में तेरा काया पलट जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी काया ना पलटेगी, तेजाब में नहाने के बाद इस लौंडे की चमड़ी ही पलट जाएगी। क्या हुआ पिल्लू? ठीक है अजय, देखो यार जे वाली भाभी तो अपनी भाभी जैसी लग रही है यार। मारे घराली कह रही है एक सकल की तो कितनी लौंडिया हो, इसमें कौन सी बात है? हाँ जे तो वही वाली बात हो गई ना कि इन भाभी जी की सकल हमारी भाभी जी से मिलती है। परभूति जी जल्दी से वो जो काम करने आए ना वो करके भाग जाते हैं।
ठीक। और जनाब। हाँ 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 भैया तिवारी, हमें एक बात बताइए कि आखिर आपने ये पुलिस की वर्दी काहे पहनी है? सरकारी तनख्वाह पे ऐश करने के लिए। नहीं भाभी जी, हम बताते हैं, दरअसल इन्होंने ये वर्दी। ठीक है ना यार, ना ना तुम कहते, तुम कई साल से तो यही बता रहे हो, यही आदमी हमें यही तो शुरू से पसंद नहीं है गोरी में, जो आदमी ने सीधे साधे ईमानदार दरोगा को बिल्कुल बदनाम करके रखे हुए कसम से, यही यही ऐसे लोगों के चक्कर में लोग हमें आज, बल्कि लोग का सब तो पूरी दुनिया न्योछावर खोर दरोगा समझती है, और हमाओ दर्द गोरी में हमाओ दर्द सारू कौन नहीं समझ। अरे तो आपके दर्द का क्या, हमें अचार डालना है? देख रही गोरी में, आपके रहते आपके सामने जो आदमी किस तरीके से हमसे बात कर रहा है, जबकि चारों हम जा शहर के दरोगा हैं, हैं? आप आखिर आप जो बताओ, पुलिस और पब्लिक इनको भी तो कोनो रिश्ता हो तो है ना, मतलब। माफ कीजिएगा हप्पू सिंह जी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आपका और पब्लिक का एक ही रिश्ता है। कौन सो? निछावर का रिश्तो। एक मिनट में आ रही हम। बताओ तो, अगर जब बात हमसे गज्जू ने कही होती ना तो भी हमें इतना बुरो न लगतो, लेकिन गोरी मैम ने जब बात कह दी, अरे कलेजा चलनी चलनी हो गो। ओ दादा, माँ का मर रहे हैं, यहाँ के रपट लिखिए ना। हाओ हाओ। आप वहाँ खिड़की के पास क्या कर रहे थे? हैं? नहीं, अचानक से ऐसा लगू कौन ने मिर्चा को छोंका सो लगाऊ आखन में चुभो, हमें तनक घुटन घुटन सी भाई सफोकेशन सो लगू तो हम खिड़की तक गए। सफोकेशन तो हमें हो रहा है ये घर में बैठे बैठे, कि बाहर निकलेंगे तो छिछोरी होली का शिकार जो हो जाएंगे, कुछ करिए। अरे का भाभी जी, यहाँ तो हम घर में भी सुरक्षित नहीं है। सही बात है। लेकर आए हैं, यही कि लाने आए ससुर, लेकर आई ना रिपोर्ट। तो भैया रिपोर्ट लिखवाने वाली को नाम? पियर्स ब्रॉसनन और एडवर्ड फिलिप। मनमोहन तिवारी और गोरी मैम। मेरा नाम ठीक से लिखिए। नहीं, हमने अनीता मिश्रा ही लिखो, गोरी मैम हमने मन में बोलो। कौन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने? लीबिया के तानाशाह गद्दाफी के खिलाफ। छिछोरी होली खेलने वाले लोग। गोरी मैम आप टेंशन ना लियो, जल्द से जल्द हम ये जो सारे चिराने होली खेल रहे हैं ना, इनको हम दबोचनो शुरू कर रहे। कब करेंगे? तुरंत तुरंत हम हम तुरंत गोरी मैम एक्शन ले रहे और आपको रिजल्ट आपके सामने दिखाएंगे, मतलब पेश करेंगे, टेंशन ना लो आप। बोल तो ऐसे रहे जैसे एफबीआई के डीआईजी है। अच्छा ठीक है, एफबीआई न सही डीआईजी न सही, जब कानपुर शहर के सारे दरोगा तो हैं हम, हल्के में ले रहे का। और गोरी मैम, दरोगा होने की हैसियत से हम आपसे बातू कर रहे, जौन जे सारे लौंडा लपाड़ी छिछोरी होली खेल रहे ना, जब गैंग से आपको हम मुक्ति दिला कर रहेंगे।
वहां खिड़की पे जाके चीखे ना तो वो भैंसिये ने डर के मारे आप पे गोबर कर दियो। असल में कहा है गोरी मैम, वो छिछोरे जो सारी लोंडला पाड़ी होली खेलने वाले गैंग है ना, हमने उन्हें ज्यादा असल में उकसा दो तो उनने हमारा चैलेंज स्वीकार कर लो और कछु ज्यादा ही कर लो। अब चैलेंज स्वीकार कर लियो तो जाके पकड़िए ना उन्हें। जा रहे ना, हम ही तो पकड़ेंगे, और कौन पकड़ेगा? तो जल्दी जाइए ना। ओ, चलो हम बिल्कुल आपको रिजल्ट देते हैं। चलो भाई चाहिए। अच्छा गोरी मैम, तनक एक रिक्वेस्ट है, आपकी घर में कोनो पुरानो छातू है का? क्यों जा रही हो यार? मत जा प्लीज, मत जाना प्लीज। क्यों जा रही हो यार? बहुत ही बचकाना सवाल नहीं है ये बेबू। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा काम है, ठीक है, तुम होली के बाद भी जा सकती हो ना यार। अरे वो मेरे पार्टनर है ना अग्रवाल साहब, वो लंदन जा रहे हैं। वैसे मैं एक काम कर सकती हूँ, उन्हें यही ना बुला लो। नहीं, आई थिंक यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना ही चाहिए। एक्सक्यूज मी, अभी तो बड़े जज्बाती हो रहे थे कि अनु मत जाओ होली है, ये अचानक तुम्हारे इमोशंस को क्या हो गया? एक्चुअली क्या है कि आई अंडरस्टैंड, तुम्हारा काम है, बिजनेस है, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड बी देयर, और फिर क्या है कि आराम से काम करके होली के बाद आना, फिर जल्दी मत करना। बड़े समझदार हो गए हो। तुम्हारे साथ सालों से रह रहा हूँ तो समझदार तो हो ही जाऊंगा। वैसे एक बात बताओ, मैं 2-3 दिनों के लिए लखीमपुर खीरी जाऊंगी तो तुम यहाँ करोगे क्या? हवन करेंगे क्या? तो समझाता हूँ, कम कम। एक्चुअली क्या है बेबी, अपना वो प्रेम है ना, उसने घर में पूजा रखी है, मतलब हवन रखा है। ये प्रेम कब से पूजा करने लगा? एक्चुअली क्या है कि उसके पीछे एक पूजा नाम की लौंडिया पड़, मतलब लड़की पड़ गई है, पीछा नहीं छोड़ रही, उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने घर में पूजा रखी है। विभू तुम पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बातें करते हो, तुम्हारी बातों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जी, ये बताओ कि तुम्हें मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं? किसी बात पे भी? तुमने आज तक कोई भरोसे वाला काम किया भी है? हमेशा तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश की, हमेशा। विभू ये भरोसा है, कोई जुआ नहीं जो जीता जा सके, भरोसा कमाया जाता है, और कमाने के मामले में तो तुम्हारी बस निकल जाएगी। ओके मैं जा रही हूँ, लेकिन होली के पहले आ जाऊंगी। क्यों? अपना अपना काम हम करके आओ, दूसरी बात है कि होली तो हर साल आती है, सो प्रिंटेबल। जी नहीं, होली तो मैं कानपुर में ही मनाऊंगी, और तुम्हें वार्निंग देके जा रही हूँ कि अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा, बैग लेके नीचे आ जाओ। भाई ऐसी वैसी हरकत तो होगी, हमने वादा किया भाभी जी से, वादा तो पूरा करेंगे, पूरा ना मानो होली है। चलो कॉमन सिटी मम्मी आ गई, मम्मी यार। अगर इतनी मेहनत तुमने जॉब ढूंढने में लगाई होती ना तो आज ये छिछोरी होली खेलने की नौबत नहीं आती। अच्छा हुआ भाभी जी आप आ गई, न तो ये दोनों तो हमें अंडे और टमाटरों से लथेड़ देते। और बेबू मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हें छिछोरी होली खेलने की कोई जरूरत नहीं है। वो अनीता जी, उनका कोनो गलती नहीं है, वो तो हमारे मदद कर रहे थे। अच्छा भभूति जी छिछोरी होली खेलने में तुम्हारी मदद कर रहे थे? बकवास बंद कीजिए। अब देर किस बात की है भाई, प्रोग्राम शुरू करिए। सम्मेलन में पधारे मेरे सभी महामूर्ख भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी मॉडर्न कॉलोनी में महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसे होस्ट कर रही हैं हमारी अनीता भाभी। वाह भाई
भैया वाघ बोरी में हम कसम से कह रही, आपने जो काम करता हुए ना वो ससुर आम आदमी कर ही नहीं सकते। जब आज पे ज्यादा तालियां। और आप जैसे निछावर खोर पर ढेर सारी गालियां। तुम यार नहीं जुक्का बकवास कर रही। अरे बुरा ना मानो, होली है। होली है। गोरी मैम, हमने आपसे एक तैयब बात छुपाई है। कौन सी बात? असल में हमने भैया विभूति को कई बार रंगे हाथों पकड़ो हुए। किसके साथ? प्रेम चौधरी के साथ। लिसन एवरीवन, सबसे पहले ये महामूर्ख सम्मेलन होगा, उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। Am I right, अंगूरी जी? टैक्सी लूट ली अनीता जी। अब महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन आरंभ करते हैं। जिसकी कविता सबसे ज्यादा घटिया होगी उसे पहला इनाम दिया जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले जिस शख्स के विषय में बताने जा रहा हूँ वो मैं नहीं बल्कि भभूति जी बताएंगे। अर्ज किया है भाइयों, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। आंखें ऐसे बाहर निकली हैं बंटे की तरह, लगता है रात भर कतरा जगराता है। कहता अपने को डॉक्टर है, ओह, लेकिन तांत्रिक बन जाता है। और मजे की बात है कि इसको कुछ नहीं आता है। उसने सारी उम्र गुजारी चौधरियों के कपड़े धोते धोते, उसके हाथों के नील देख के मैं पगला गया रोते रोते। बरसों बाद जब कल वो मुझको मिली तो मैंने उसको छुआ, वो दूर हटके बोली, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते 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 धोते। डॉक्टर साहब, मर बेहया मर बेहया मर बेहया। धन्यवाद भाभी जी, लेकिन शायद आप मरहवा कहना चाह रही हैं। गलत पकड़े हैं, हम मर बे हैं ही बोले। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच भाभी जी कि कम से कम आपने तो मेरी हौसला अफजाई करी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जल्दी खत्म करने के लिए थैंक यू। खुशी पे ये भाईयाद शेर सुनाने के लिए थैंक यू। अंधे घोड़े फौज में दौड़े, काहे पैदा हो गए निगोड़े, शहर के सबसे भीषण छिझोरे, एक काला दो गोरे, घोड़े की दुम पर जो मारे हथौड़े, दौड़े 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 घोड़े दुम दबा के दौड़े। भैया आपने घोड़े ज्यादा तेज ना दौड़ा दे। एक्सक्यूज मी गाइस, हम अभी कविता ना पेश करने वाले। हाँ, इसलिए क्योंकि कविता तो सभी पेश कर रहे हैं। हाँ, इसलिए टी कमल खान टिल्लू ने एक बढ़िया गाने पर कोरियोग्राफी खुद किए। हाँ, उसका रायता फैलाऊंगे। हाँ, अरे वाह टी के मल खान टिल्लू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इसे कहते हैं क्रिएशन। अरे पहले देख तो लो, चने की झाड़ में चढ़ा रही है उन लोगों को। कौन बेबू, हमें उन लड़कों का हौसला बढ़ाना चाहिए। हाँ हाँ अनीता जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अच्छी का मलखान चिल्लू भैया, आप तीनों को देखकर ना हमरे अंदर का कोरियोग्राफर भी बाहर आने को तरस रहा है। अंगूरी जी आप शायद कोरियोग्राफी कहना चाह रही थी। सही पकड़े हैं। दिखने में लगते हैं मम्मी डैडी का डिजास्टर, बदन पे चढ़ा रखा है उन्होंने संस्कार का प्लास्टर। और आपके सामने आ रहे हैं मॉडर्न कॉलोनी के सबसे बड़े चिरांदे आजम भूप सिंह मास्टर। है तो थोड़ा अच्छा। हाय क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह वाह, वो है तो थोड़ा अच्छा मगर खद्दड़ की कमीज है, वो है तो थोड़ा अच्छा मगर खद्दड़ की कमीज है, दूज के बाद हमेशा आती तीज है, विभूति और तिवारी भैया इस मोहल्ले के सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इनके अंदर संस्कार नाम का नहीं कोई चीज है। वाह वाह वाह, क्या बात है मास्टर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है। अरे मैं तो कहता हूँ मास्टर, आज तूने शब्दों की छड़ी से मारा इन दोनों को। भैया वाह वाह डिजास्टर जी, बहुत अच्छे। भाभी जी आप मास्टर जी कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। वेरी गुड मास्टर जी, वेरी गुड। थैंक यू नीता भाभी,
थैंक यू अंगूदी भाभी। कद्दू से खोपड़िया पे मूछों का कारोबार चलती नहीं एक भी, लेकिन लेके चलते हैं हथियार। क्या बात है, क्या बात है, सही कहा आपने। पेट में नौनो ठैया बच्चा दसवां आने को तैयार, आ रहे हैं हप्पू सिंह हवलदार। नहीं नहीं, ये तुम्हारी जो ककर हवलदार ससुर पर खुददार। और पता नहीं इसे कौन ने बना दी वो तीन स्टार। सारी कम से कम दर हो गए हैं। बोरा ना मानो होली होली होली। हप्पू सिंह जी, बोरी में खास आपके लाने ससुर तैयार करो। भैया सुनो, रंग में होरी कैसे खेलू री जा गोरी मैं के संग, रंग में होरी कैसे खेलू री जा गोरी मैं के संग। ओ दादा ताजे ताजे सुनो भैया, अरे कोरे कोरे कलश मंगाए बाम घोरो रंग, कोरे कोरे कलश मंगाए बामे घोरो रंगे, और भर पिचकारी गोरी मैम ने, भर पिचकारी गोरी मैम ने सनमक मारी, भैया पूरी बॉडी हो गई तंग तंग तंग। गोरी मैम ने मारी पिचकारी हो गई बॉडी तंग, होरी कैसे खेलूरी जा गोरी मैम के संग। वाह हप्पू सिंह जी, ये आपने बनाई है? बस कोरी मैम जो समझ लू, एक थैया आपको देख के कोशिश करी। शंकर एहसान लाए के भतीजे ना बनी। किसी की आंख में चुभता शूल हूँ, किसी की आंख का तारा हूँ, कुछ लोग मुझे पागल कहते हैं, कुछ कहते हैं जग से न्यारा हूँ, कहीं कड़वा हूँ कहीं मीठा हूँ कहीं खारा हूँ। मैं अनोखे लाल सक्सेना इस नल्ले चिरांद का मारा हूँ। I like it. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भभूति जी, भाभी जी, होली के शुभ मौके पर भाभी जी के साथ हमारा कुछ तो मजाक बनता है। सही कहा आपने तिवारी जी, भाभी जी, इस होली के मौके पर भाभी जी के साथ हमारा कुछ तो मजाक बनता है। बनता तो है, चलिए ठीक है। हाँ तो भाभी जी के लिए कुछ अर्ज कर रहे हैं। मर बेहया। अर्ज किया है कभी हाँ भी है कभी ना भी है, वो लड़की नहीं छावी है, ये भभूति जी ने पता नहीं कहां से ढापी है, और ये हमारी प्यारी पड़ोसन अनीता भाभी। वाह तिवारी जी वाह, क्या बात है, क्या वाह तिवारी जी वाह, मैंने ढापा है तुमको। अरे विभू कम ऑन, होली है। अरे बुरा ना मानो, होली है। ऑलराइट, ठीक है, मैं भी इस बात का फायदा उठाऊंगा। अर्ज किया है ओ भाभी अंगूरी, ऐसी क्या थी मजबूरी कि इस बैल की हो गई पूरी पूरी की पूरी। ये बैल तो है नालायक, तेरे बिल्कुल नहीं है लायक, कर ले इससे दूरी ओ भाभी अंगूरी। वाह वाह, क्या बैल को दूर किया, वाह वाह, क्या सलाह दिया भैया, मान गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है जनाब, ये कुछ ज्यादा हो गया भाई, बुरा ना मानो। होली है। ओके ओके, अब मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगी। होरी खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गली में, मथुरा की कुंज गली में, गोकुल की कुंज गली में, मेरे घर आओ नंदलाल मथुरा की कुंज गली में, तूने भर पिचकारी मारी मेरी भीगी अंगिया सारी, मेरे भीगे सर के बाल मथुरा की कुंज गली में, शीशी बाके बिहारी लाल मथुरा की कुंज गली में। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।